पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोटरसाइकिल गैंग का किया पर्दाफाश। थाना इरादतन नगर पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों से चोरी की हुई मोटरसाइकिलें व अवैध असला मोबाइल फोन हुए बरामद। नवभारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से राजीव कंचन की रिपोर्ट। जो वादी प्रताप सिंह हैं, इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 20/21 की रात को, ये जनवरी महीने में, इनके साथ एक लूट की घटना घटित हो गई है, जिसमें इनका एक मोटरसाइकिल, एक जैकेट और एक मोबाइल फ़ोन जो वीवो का था, वो बदमाशों ने लूट लिया। इनके द्वारा बताया गया जो बदमाश आए थे वो 2 मोटरसाइकिल पर आए थे, कुल 4 व्यक्ति थे, और इन लोगों ने तमंचे के बल पे इनसे इनकी जैकेट, इनकी मोटरसाइकिल और इनका मोबाइल फ़ोन वहाँ से छीन लिया। वहाँ छीनने के बाद फरार हो गए। सूचना मिलने के उपरांत थाना इरादत नगर पे इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करने के बाद क्षेत्राधिकारी खेड़ागढ़ एवं SHO इरादत नगर की टीम इस घटना को खोलने में जुट गई। मुखबिर की सूचना पे ये मिला कि जिस अपराधी की थाना इरादत नगर तलाश कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, वो लोग अभी अगर पुलिस तुरंत वहाँ पे कार्रवाई करे तो ये लोग पकड़े जा सकते हैं। वहाँ पे थाना इरादत नगर की टीम गई। वहाँ पे थाना इरादत नगर की टीम को देख के जो बदमाश थे, इन लोगों ने फायर कर दिया। फायर करने के उपरांत SHO इरादत नगर और CO खेड़ागढ़ की पूरी जो बढ़िया एक टीम थी, इन्होंने इसको चारों तरफ से घेर के उनको पकड़ा। पकड़ने के उपरांत इनसे पूछताछ की, और उस पूछताछ पे कुछ और बरामदगियाँ भी हुई हैं। जो कुल बरामदगी है वो जो घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल, जैकेट, वो मोबाइल, इसके अलावा 3 और मोबाइल और 4 मोटरसाइकिल और बरामद हुई हैं। इसके अलावा असलहे जो इनके हाथ से बरामद हुए हैं, वो एक पौना है और एक तमंचा है। इसके अलावा कई कारतूस भी बरामद हुए हैं, और जो मौके पे इन्होंने फायर किया था उसका खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। जो अभियुक्त हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं: देवेंद्र सिंह, चरत सिंह, हरेंद्र सिंह वकील, और एक और अभियुक्त है रिंकू, जो अभी फरार है। इसमें से जो कुल अभियुक्त हैं, 2 धौलपुर राजस्थान के हैं और 3 अभियुक्त थाना इरादत नगर के क्षेत्र के ही हैं। सर, ये गैंग कब से इस काम को अंजाम दे रहा है? अभी तक जो पूछताछ हुई है, यही मालूम चल रहा है कि पहले भी इन लोगों ने चोरी की घटनाएं की हैं। कहां पे की है इसके संबंध में अभी पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिले हैं। पूछताछ जारी है, और भी इनसे पूछताछ की जाएगी। तो अगर इन्होंने पहले भी कोई ऐसी घटना की होगी तो उसके संबंध में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, मुखबिर की सूचना थी, मुखबिर की सूचना में ये भी था कि मोटरसाइकिल के पीछे कुछ ऐसे गुर्जर जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो अगर पुलिस वहाँ पे बढ़िया से अगर रेकी करके वहाँ पे अगर दबिश डाले तो पकड़े जा सकते। सर, ये किस तरीके से जो मोडस ऑपरेंडी इस पूरे घटना में दिखा है, ये है कि किसी भी एक सुनसान सड़क पे, जिसपे कि आवागमन गाड़ियों का कम हो, वहाँ पे ये लोग हाथ लगा के बैठ जाते हैं। कोई भी ऐसा राहगीर जो अकेला आ रहा हो मोटरसाइकिल से, या ऐसे कोई जा रहा हो, तो उसको रोक के तमंचे के बल पे ये लोग उसके साथ लूट की घटना कारित करते हैं। जैकेट मौसम में हो सकता है कि जैकेट का हम लोग को ज़रूरत हो, तो लूट के पीछे कोई मतलब विशेष ऐसा कारण नहीं है, लेकिन वही ठंड है तो संभवतः ठंड के कारण उन्होंने लूटी। अच्छी लगेगी।